नमस्कार दोस्तों, तो मीडियाटेक ने लॉन्च कर दिया है दुनिया का सबसे पहला 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर वाला मोबाइल प्रोसेसर। और ये जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, इस वीडियो में आपको इसका सारा स्पेसिफिकेशन, क्या फीचर्स है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, यहां तक इसका जो गिगबी स्कोर, एंटूटू स्कोर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो गैजेट चैनल को सबसे पहले बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके नैनोमीटर नंबर के बारे में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है, डायमेंसिटी 9000 दुनिया का सबसे पहला 4 नैनोमीटर वाला आर्किटेक्चर है। और मीडियाटेक की तरफ से ऐसा कहना है कि मीडियाटेक के पिछले जनरेशन के प्रोसेसर, मतलब डायमेंसिटी 1200 के मुकाबले ये जो नया जनरेशन प्रोसेसर, सेप इसके सीपीयू आर्किटेक्चर की मदद से आपको 20% बेटर पावर एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद अगर हम इसके सीपीयू कोर की बारे में बात करें, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें आपको एक प्राइम कोर मिलेगा जो कि एक कोर्टेक्स X2 कोर, जिसका स्पीड है 3.05 गीगाहर्ट्ज। उसके साथ 3 परफॉर्मेंस कोर मिलेगा जो कि दरअसल है कोर्टेक्स A710, जिसका स्पीड है 2.85 गीगाहर्ट्ज। और उसके साथ 4 एफिशिएंसी कोर मिलेगा जो कि एक कोर्टेक्स A510, जिसका स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। इसके साथ आपको 8 MB का L3 कैश और 6 MB का सिस्टम लेवल कैश देखने को मिलेगा, मतलब टोटल आपको 14 MB का कैश मेमोरी देखने को मिलेगा। अगर इसके ग्राफिक्स कार्ड की बारे में बात करें, इसमें आपको दुनिया का सबसे पहला माली G710 वाला ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा, जो कि दरअसल MC10, मतलब 10 कोर वाला ग्राफिक्स कार्ड। और अगर APU, मतलब जिसे हम कहते हैं AI चिप, उसके बारे में बात करें, इसमें आपको मिलेगा 6 कोर वाला AI चिप। और ये जो AI चिप, इसका भी 2 डिवीजन है, उसमें से 4 है परफॉर्मेंस कोर और 2 है फ्लेक्सिबल कोर। और ये तो मुझे आपको कहने की जरूरत ही नहीं, इस बार का ये जो सीपीयू स्ट्रक्चर वो टोटली बना है ARM version 9 के ऊपर। और इसके बाद अगर हम इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस माली G710 कोर को इस्तेमाल करने की वजह से इसके परफॉर्मेंस में बाकी सीपीयू के मुकाबले 35% परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है। और इसका जो बैटरी एफिशिएंसी, उसमें 60% पावर एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगा। मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि इस बार का ये जो डायमेंसिटी 9000 बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट वाला प्रोसेसर है। और हम नीचे भी देख सकते हैं, इधर लिखा है रे ट्रेसिंग, मतलब ये जो प्रोसेसर इस बार रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैम के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बोला था कि सैमसंग ने दुनिया का सबसे पहला LPDDR5X क्वालिटी का रैम बना लिया है। तो अब मीडियाटेक कंपनी ने भी ऐसा प्रोसेसर बना लिया है जिसमें आपको LPDDR5X क्वालिटी का रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अब इस जगह पे देख सकते हैं, इसमें आपको 4 चैनल LPDDR5X क्वालिटी रैम का सपोर्ट मिलेगा, जिसका मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड होगा 7500 MBPS। अगर मैं आज के जनरेशन के जो भी बाकी प्रोसेसर है उसके साथ अगर कंपेयर करते हो, उसमें आपको मैक्सिमम LPDDR5 क्वालिटी का रैम का सपोर्ट मिलेगा, जिसका मैक्सिमम स्पीड है 6400 MBPS। नेक्स्ट अगर हम इसके कैमरे के बारे में बात करें, आप इस छोटे से पिक्चर में एकदम ध्यान से देख सकते हैं, इसमें जो नया जनरेशन ISP यूज हुआ है उसका नाम है इमेजिक जनरेशन 7। और इसका मेन खासियत है ये कि इसमें आपको दुनिया का सबसे पहला 320 MP तक का कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम 320 MP में फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर हम क्वालकॉम के साथ कंपेयर करते हैं तो उसका मैक्सिमम सपोर्टेड रेजोल्यूशन है 200 MP, लेकिन इसमें आपको 320 MP तक का कैमरा का सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको वर्ल्ड फर्स्ट 3-कोर HDR ISP देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक किसी भी प्रोसेसर में इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब आप सेम टाइम में 3 32 MP कैमरा से 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब आप ये चीज़ समझ लीजिए, आप फोटो खींच रहे, आपके मोबाइल में 4 कैमरा है, उसमें से अगर 3 कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, तो ऐसे हर एक सेंसर में से आप 4K क्वालिटी में फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो भी सेम टाइम में। नेक्स्ट अगर हम इसके वीडियो प्लेबैक की बारे में बात करें, इस जगह आप देख सकते हैं, इसमें आप 8K क्वालिटी में वीडियो एनकोड और डिकोड कर सकते हैं। और ये दरअसल दुनिया का पहला प्रोसेसर बन चुका है जो कि 8K AV1 क्वालिटी में वीडियो प्लेबैक कर सकता है। और ये तो शायद आपको मालूम ही होगा, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि गूगल के टेंसर प्रोसेसर को छोड़ के दुनिया के और कोई भी प्रोसेसर AV1 फॉर्मेट को प्ले बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि AV1 फॉर्मेट को प्ले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक अगर आपके PC में भी अगर प्रॉपर वीडियो प्लेयर नहीं है, तो AV1 फॉर्मेट को प्ले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और नेक्स्ट अगर हम इसके डिस्प्ले की अगर बात करें, इस जगह आप देख सकते हैं, इसमें आपको 2K+ क्वालिटी का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा, जिसका मैक्सिमम रिफ्रेश रेट
होगा 144 हर्ट्ज। और अगर आप फुल एचडी प्लस डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी दुनिया का सबसे पहला 180 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले रेट देखने को मिलेगा। और इसमें HDR 10 प्लस एडाप्टिव डिस्प्ले भी सपोर्टेड है। और इस जगह मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगा, एक ISP मतलब इमेज सिग्नल प्रोसेसर, उसका मेन काम क्या होता है, बाहर से जो फुटेज कैप्चर हो रहा है उसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस करना। तो प्रोसेस करने मतलब प्रोसेसिंग का एक स्पीड जरूर होगा। इस जगह आप देख सकते हैं कि ये जो नया जनरेशन प्रोसेसर लॉन्च हुआ है इसका स्पीड 9 GPS/s। अगर हम उसे डायमेंसिटी 1200 के साथ कॉम्पीट करते तो उससे दुगना स्पीड आपको मिलेगा। और अगर हम इसे पिछले जनरेशन के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो क्वालकॉम में हमें मिला था 2.7 GPS के आसपास। तो मतलब 3 गुना बेटर क्वालिटी में इमेज प्रोसेस करेगा नया वाला प्रोसेसर। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार की डायमेंसिटी 9000 में आपको एक स्पेशल सुपर नाइट वीडियो रिकॉर्ड वाला कुछ मोड देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से नाइट विजन जैसा कुछ कैमरा फीचर आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम इसके नेटवर्क के बारे में बात करें, जैसे कि इसमें देख सकते हैं इस बार आपको 3cc कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलेगा, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा 300 मेगाहर्ट्ज तक। और इसमें आपको सब 6 बैंड का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको कोई भी MMWave का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इस प्रोसेसर के 5G में मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड है 7 GBPS। और हाँ, इधर मैं आपको एक और चीज पे कह देता हूँ, ये प्रोसेसर दरअसल दुनिया का पहला ऐसा CPU है जो कि आपको 3GPP क्वालिटी में स्टैंडर्ड 16 तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और स्टैंडर्ड 16 अभी तक दुनिया के कोई भी प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम इसके कुछ बाकी के नेटवर्क फीचर की बारे में बात करें, ये दरअसल दुनिया का पहला प्रोसेसर है जो कि ब्लूटूथ 5.3 को सपोर्ट करेगा। शायद आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक ब्लूटूथ 5.2 तक ही लॉन्च हुआ था। तो ये दुनिया का पहला प्रोसेसर है जो कि ब्लूटूथ 5.3 तक सपोर्ट करेगा। उसके साथ वाईफाई 6E और जो बेईदू मतलब जो चाइना का GPS नेविगेशन सिस्टम, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस जगह मैं आपको कुछ और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा, अगर इसके AI परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जैसे कि इस चार्ट में देख सकते हैं। देखिए अभी तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये जो गूगल का टेंसर प्रोसेसर लॉन्च हुआ है उस प्रोसेसर का मेन खासियत है उसका AI परफॉर्मेंस। उसका AI परफॉर्मेंस दुनिया पे अभी जो भी प्रोसेसर है उससे सबसे ज्यादा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो डायमेंसिटी 9000 लॉन्च हुआ है इसका जो AI परफॉर्मेंस वो गूगल पिक्सेल 6 के जो टेंसर चिप उससे भी 16% बेटर है। और अगर ये बात सही है तो सच में इस बार का जो AI परफॉर्मेंस वो बहुत ही बढ़िया है। और फाइनली अगर हम इसके बेंचमार्क स्कोर की बारे में बात करें, मैंने एक हफ्ते पहले आपको एक स्कोर दिखा था, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो डायमेंसिटी 9000 ये दरअसल दुनिया का पहला ऐसा प्रोसेसर है जिसने 1 मिलियन से भी ज्यादा AnTuTu स्कोर किया था, जो कि एक प्रोसेसर के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर हम इसके गीगबेंच स्कोर की बारे में बात करें, मीडियाटेक की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है कि इसका जो सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस अभी जो भी एंड्रॉयड प्रोसेसर है उससे तो डेफिनेटली बेटर है। और इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एपल A15 प्रोसेसर के जैसा है, जैसे कि इस चार्ट में देख सकते हैं, इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एपल A15 प्रोसेसर के जैसा ही है। तो मतलब घुमा फिरा के ये चीज कह सकते हैं, जो डायमेंसिटी 9000 वाला प्रोसेसर लॉन्च हुआ है सच में एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। और अगर इसके कोई डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, मेरे ख्याल से इसका जो ग्राफिक्स कार्ड वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, क्योंकि आपने ये चीज नोटिस किया होगा मीडियाटेक अपना जो ग्राफिक्स कार्ड उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन आपने ये चीज नोटिस किया है कि सेम टाइप का ग्राफिक्स कार्ड अगर वो Huawei इस्तेमाल करता है तो ऑलमोस्ट दुगना आपको GPU कोर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसमें MC10 देखने को मिलता है तो Huawei का जो पिछले साल का लॉन्च हुआ था Kirin 9000 और 9000E, उसमें आपको 22 कोर और 24 कोर GPU कोर देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वालिटी के ग्राफिक्स कार्ड के अंदर Huawei हमेशा ज्यादा कोर इस्तेमाल करता है, लेकिन MediaTek हमेशा कम कोर इस्तेमाल करता है। हो सकता है जिससे कि प्रोसेसर ज्यादा हीट ना करे इसीलिए। और अगर डायमेंसिटी 9000 के साथ दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन के बारे में बात करें, कहा जा रही कि वो लेट 2021 Q1 पे लॉन्च होगा। तो मतलब ऑलमोस्ट मार्च या फिर अप्रैल महीने के आसपास इस नया प्रोसेसर के साथ कोई स्मार्टफोन लॉन्च होगा। और अगर उस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में बात करें, मेरे सोर्स की तरफ से ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि उस स्मार्टफोन का प्राइस $400 के आसपास से शुरू हो सकता है। $400 मतलब ऑलमोस्ट 30,000 रुपये के आसपास। और अगर सच में 30,000 रुपये पे हमें बढ़िया डायमेंसिटी 9000 वाला अगर प्रोसेसर मिलता है तो मेरे ख्याल से इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता। तो आज का वीडियो इतना, उम्मीद है डायमेंसिटी 9000 के ऊपर ये जो छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि डायमेंसिटी 9000 के साथ आप और कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहेंगे, मैं वो जरूर बना दूंगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।